हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। मैं हूँ देवक नगरवाल और हमेशा की तरह एक और नया टूल लेके मैं आपके पास। और ये टूल हालांकि नया नहीं है, फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोग माइक्रोस्कोप के लिए बेचैन रहते हैं, सोचते हैं कि मैं माइक्रोस्कोप के लिए पैसा जमा करूंगा। और क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, उनके हाथ में पैसे नहीं होते हैं और उनको छोटे छोटे जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो देख पाने में आसानी नहीं जा पाती। छोटे छोटे जो कॉम्पोनेंट होते हैं उनको देख पाने में उनको बड़ी दिक्कत जाती है। आईसीओ के ऊपर लिखे नंबर होते हैं, या तो फिर हम बात करें बहुत सारे स्मॉल माइक्रो कॉम्पोनेंट को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, या फिर जब हम वाटर डैमेज आते हैं तो हम देख नहीं पाते कि कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रो जंपरिंग तो खैर मैं नहीं बोल सकता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत हद तक हम जंपरिंग देख कर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है प्रोडक्ट माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों, अगर माइक्रोस्कोप का पैसा नहीं है तो आप ले सकते हैं माइक्रो लैम्प। माइक्रो लेंस के साथ में ये आता है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम बजट में है। चलिए इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसे काम हम ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं, थोड़ी इसकी डिटेलिंग करते हैं। ये जो माइक्रो लैम्स है और माइक्रो कॉम्पोनेंट को दिखाने के लिए इसका लेंस काफ़ी अच्छा है। इसमें दो लेंसेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें आपको दो लेंसेज दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका माइक्रो के लिए और ये नैनो कॉम्पोनेंट के लिए, और भी छोटे कॉम्पोनेंट को देखने के लिए आपको काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। आज थोड़ी दिवाली है दोस्तों, आज दिवाली का मौका है, फटाके फूट रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी। चलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा हैवी मटेरियल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग सस्ते के चक्कर में ऐसे माइक्रोस्कोप खरीद लेते हैं जो थोड़ा सा, अगर हम इसको झुकाएं तो ये इस तरह से, देखिए इस तरह से बैंड करने लगता है। हालांकि ये माइक्रोस्कोप काफ़ी भारी है और इसी बात को लेकर मैंने इस पर एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा। एक ऊपर से कैप आती है ताकि आपके जो लेंस है उस पर धूल ना बैठे, और डायरेक्ट एसी करंट से चालू होता है, बैटरी का कोई मसला नहीं है। नहीं तो अक्सर लोग सिर्फ बैटरी लगाने के चक्कर में है कि इतना बैटरी कौन खर्च करेगा और ये लेंस खरीदते नहीं है। हालांकि अच्छे हैं कि अगर दो ऑप्शन मिलते हैं कि एक बैटरी लगाने का, अगर हम इसको पीछे देखें तो यहाँ पर बैटरी लगाने का अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर ठीक है डायरेक्ट एसी करंट से चलता है। काफ़ी अच्छी एलईडी है इसमें, अगर यहाँ पे आप एलईडी देखेंगे काफ़ी तेज एलईडी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी जो एलईडी चल रही है वो सिर्फ माइक्रो की है, आप जैसे कि देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखिए ये पूरी एलईडी यहाँ पे बंद हो गई है, कुछ भी एलईडी यहाँ पे नहीं चल रही है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए कितनी अच्छी प्योर एलईडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब इसके थोड़ा सा लेंसेज के ऊपर का आपको दिखाते हैं एरिया किस तरह से आपको दिखाई देगा। ये एक सैमसंग के बोर्ड J2 का एक बोर्ड है, PCB है, और अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो आपको काफी क्लियर, आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा सा दोस्तों इसको और दिखाया जाए तो यहाँ से आपको कंपोनेंट काफ़ी और जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक कम बजट के स्टूडेंट के लिए है, मैं अधिकतर यही सोचता हूँ कि वो स्टूडेंट जो माइक्रोस्कोप में काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की फीस जमा कर रहे हैं, उनके लिए तो सभी सोच रहे हैं और वो प्रो से प्रो होते जा रहे हैं। पर उन स्टूडेंट का क्या जिनके और में पैसे बहुत कम हैं और जो काम करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ, हम अगर एक जंपरिंग की बात करें, माइक्रो जंपरिंग की, तो हम इसमें भी देख के कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया ताकि आपको इसके बारे में पता हो सके। और आपको, क्योंकि जनरली लोगों को इसके बारे में पता तो है पर जो क्वालिटी है वो बेकार टाइप की जो मार्केट में मिल रही है, उन्होंने ली भी होगी तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा होगा। मैं आपके लिए बेस्ट क्वालिटी माइक्रोस्कोप लेके आया हूँ, ये आपको नीचे दिए नंबर आपको दिख रहा होगा, ZX मलिक, आप उनको कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, उस पर आपको ये मिल जाएगा। और भी अगर आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए तो थोड़ा देखिए कि हैवी मटेरियल है कि नहीं है, बैंड तो नहीं हो रहा है, जो आपके लेंसेज का जो क्वालिटी है, जो उसका डेंसिटी, वो काफ़ी अच्छा है कि नहीं है। अधिकतर क्या होता है इसका जो लेंस के ऊपर धूल जम जाता है, खराब हो जाता है, ज़्यादा लाइफ नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छी लाइफ है। एलईडी की रोशनी काफ़ी अच्छी है कि नहीं है, बैटरी वाला तो बेकार होता है क्योंकि बैटरी इसकी जल्दी खप जाती है और फिर वही बीत बीत तीत तीत 40 रुपये की हर बार बैटरी लगाओ, डायरेक्ट एसी करंट से ये चलता है। तो काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छा ये माइक्रोस्कोप की जगह पे अगर हम बात करें तो ले सकते हैं कम बजट सेगमेंट में। और इसके साथ भी आपको एक अलग कुछ वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको छोटे माइक्रोस्कोप इसके साथ ही मैं आपको कम बजट में थोड़े और इसके साथ ही मैं कम बजट में और दूसरे वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं छोटे माइक्रोस्कोप को आपको डिटेलिंग करूंगा। इसको आप परचेस कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं,
और जो जिसका मैंने नंबर दिया हुआ है आप उनको पूछ सकते हैं। देखिए इसको बराबर आपको आईसीओ का नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एटलीस्ट ये जो है ये बजट रेंज में आता है, ये आपके आपका बजट, इसका जो प्राइस है वो आप इन जेडएक्स मलिक से ही पूछिएगा तो बेटर है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इससे टेलीकॉम को, तो अगर हम उनको सब्सक्राइब वाली फोटो दिखाएंगे तो जो भी वो प्राइस बताएंगे उसमें वो 10% आपको अलग से डिस्काउंट देंगे। ये सिर्फ आपको मिलेगा अगर आपने इससे टेलीकॉम को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही कुछ नए वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर? तो सर मैंने सबसे पहले इजीटेक पूरा समझा, ए टू जेड, और उसके बाद यूफाई समझा, और इजीटेक में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है मैन्युअली, और यूफाई में ऑटोमेटिकली कैसे की जाती है, और इसमें आईसी बेस्टेड निकालना, ब्लैक बेस्टेड, नॉर्मल बेस्टेड, जंप, माइक्रो जंपर, और ए टू जेड जो प्रोग्रामिंग के जैसे होता है वो हम लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पर हम लोग आईसी रिवॉल्व ही करना सीखा, और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हम लोग को सर बताए, और इतना अच्छा से बताए कि हम लोग के दिमाग में बस गया कि क्या होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहले की बात कि पैरेलल और सीरीज के बारे में जो जानता है वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि एएमसी में हम कर सकता हूँ, उसके लिए आप हो गए हैं, तो एशियन टेलीकॉम उसके लिए बहुत अच्छा है। और बस, और मैंने जो एएमसी में ये सब सीखा उसमें मेरा डम फाइल बूट पार्टीशन क्या होता है, एमसीयू को ब्लैक पेस्ट और वाइट पेस्ट मेरे कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने सब सीखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मोबाइल बनाया है अपना? हाँ, मैंने एक पे सैमसंग का मोबाइल मेरा अपना खुद बनाया जिसमें बूट मेरा डेड हो गया था, तो मैंने सर से किया और सबसे पहले दिन बन गया। हाँ, सबसे पहले दिन मैंने आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, अब एएमसी भी यहाँ से किया। एएमसी यहाँ से क्यों करने की इच्छा हुई आपकी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या लगा कि एएमसी का नॉलेज पहले नहीं था, आप हार्डवेयर में इतने पक्के बन गए या इसलिए मतलब एएमसी में अब टॉप बन जाए? अच्छा, टॉप बन जाएंगे। आपने जो 9 दिन में क्या क्या सीखा वहाँ पे, एक मोटा मोटा बताओ। ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखी, प्रोग्रामिंग, यूएफआई पार्टीशन आया, फाइबर पार्टीशन सब हो गया, मतलब यूएफआई का काम या जेटेक का काम हम कर सकते हैं। हाँ सर, और आईसी रिबोलिंग तो हमने पहले से पढ़ लिए थे और हमने अपने आपको मजबूत किया था, और प्लस हमने उसके साथ आईसी पेस्टेड आईसी निकालना, माइक्रो करना बहुत जरूरी है। जैसे आज यहाँ तुमने बताया कि एक 2 साल से तुम मोबाइल रखे हुए हैं, उसका क्या प्लस नहीं हो पा रहा था, वो हैंगिंग लोगों में था, मुझे 2 साल से रखे हुए थे, मैं सोचा कि वहीं जाके इसको सही करूंगा, और लेकिन ये मेरा पूरा हो गया सर। मतलब ये सौभाग्य कि इन्होंने फ्लैश किया। अच्छा, आपको मैं खुद सर उसमें ट्रेस किया और खुद मैं उसमें सॉफ्टवेयर चलाया। अच्छा, प्रोग्रामिंग किया, फिर उसे रिबॉलिंग किया, रिबॉल करके किससे किया? यूएफआई से, जेटेक से, जेटेक से किया। आपको क्या लगता है यूएफआई आप कौन सा बॉक्स लेंगे, यूएफआई की जेटेक? सर मेरे लिए तो दोनों सही है, दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। सर मैं 4 महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपके वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का 1-1 दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। कॉइल लगा होगा सैमसंग में, सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैं एक आईफोन दे दूँ और आईफोन में BSI ओपन है, तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं, मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है, हम दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की बात करें, पीबी पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का पीबी सप्लाई, आईफोन का पीबी अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सर लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत बच्चे, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे सीपीयू लगा के चालू किया है? यहाँ पर सीपीयू लगाया है सर, 1 टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम नहीं हुआ, 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में सीपीयू लगा। एक रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कॉम्पोनेंट मिल सकते हैं? सर रिसीवर की लाइन में सर हमको 2 गार्ड मिल सकते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, 3 पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा? सर वो 2 लाइनों के बीच में पहला लगा होगा, वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे। मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल, हाँ सर, चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखें तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है? सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छे तरीके से। हाँ जब B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है। यहाँ मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो ICO लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं कुछ डिफरेंट, जो फर्स्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ले जाए शॉप से, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10% वन झालेला है, ये तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुटून पाठवत असेल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल सारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसर टेलीकॉम सर्च करें, एसर टेलीकॉम लिखें, और एसर टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। I'm also 1001 on 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.